Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we start our video with question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. 12 जो defective pen थे वो 132 अच्छे pens के अंदर मिल गए, mix हो गए. It is not possible to just look at one pen and tell whether or not it is defective. ये संभव नहीं कि pen को देखकर ही हमें बता दें कि यह defective है या नहीं है. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट. इससे के अंदर से एक पेन को रैंडमली निकाला जाता है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड पेन. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पेन आपने निकाला है वो क्या होगा, एक गुड पेन होगा. यहाँ पर हमें गुड पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारे पास जो गुड पेन्स हैं वो हैं 132. डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू 12. टोटल पेन हमारे पास हो जाएंगे 132 प्लस 12 गुड पेन्स प्लस डिफेक्टिव पेन्स 144. अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गुड पेन की. उसके अंदर से हमने एक पेन को रैंडमली ड्रॉ किया है, टेकन आउट, एक पेन को हमने उसके अंदर से निकाला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो पेन जो हमने निकाला है वो क्या होगा, गुड पेन होगा. तो यहाँ पर हमारे पास गुड पेन्स हैं 132. तो गुड पेन के फेवरेबल केसेस क्या हैं वो देख लेते हैं हम. सो प्रोबेबिलिटी गुड पेन, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू गुड पेन 132 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 144, दैट इज इक्वल टू 11/12. क्वेश्चन नंबर 17 है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट. 20 बल्ब हैं जिनके अंदर 4 बल्ब क्या हैं, डिफेक्टिव हैं. एक बल्ब को इसके अंदर से रैंडमली ड्रॉ किया जाता है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बल्ब है वो डिफेक्टिव होगा. सेकंड है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन. फर्स्ट केस में आपने जो बल्ब को ड्रॉ किया है वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि वो गुड था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, यानी कि उसको वापस उसके अंदर नहीं रखा, उसको आपने एक साइड में रख दिया. नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन, रिमेनिंग में से जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया 19, उन रिमेनिंग के अंदर से आपने एक बल्ब को ड्रॉ किया रैंडमली. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, यानी कि गुड होगा. तो एक तरह से हमें गुड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों टोटल बल्ब्स हैं 20, डिफेक्टिव बल्ब्स हैं 4. तो गुड बल्ब या कह दें कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास हो जाएंगे 20-4, 16, यानी 16 बल्ब हमारे पास नॉट डिफेक्टिव हैं और 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं. अब इनके अंदर से एक बल्ब को ड्रॉ किया जाता है रैंडमली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बल्ब डिफेक्टिव है. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 20, क्योंकि हमारे पास 20 बल्ब टोटल हैं. अब हमें पुरानी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 4. डिफेक्टिव बल्ब के फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो हमारे पास होंगे 4, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब हैं 4. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब दैट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डिफेक्टिव बल्ब 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 20। 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं और टोटल बल्ब हमारे पास हैं 20, तो 4 अपॉन 20 1/5, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें ये कहा गया है कि फर्स्ट पार्ट में हमने जो बल्ब ड्रॉ किया था, सपोज कर लो कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब था, और उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, उसको निकाल के एक साइड में रख दिया, तो हमारे पास अब टोटल बल्ब रहेंगे सिर्फ 19, क्योंकि एक बल्ब को हमने निकाल करके और उसको साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, तो हमारे पास अब 19 बल्ब हैं टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 19। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बल्ब आपने निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें। अब हमारे पास स्टार्टिंग में नॉट डिफेक्टिव बल्ब थे 16। अब हमने फर्स्ट केस में सपोज किया कि जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि वो गुड बल्ब है, और उसको हमने निकाल के एक साइड में रख दिया। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर जो टोटल नॉट डिफेक्टिव बल्ब होंगे या जो गुड बल्ब होंगे वो 16 की बजाय 15 रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक बल्ब को निकाल के रख दिया है, रिप्लेस नहीं किया, और सपोज ये किया हमने कि जो बल्ब हमने निकाला है वो बल्ब क्या है, नॉट डिफेक्टिव है। तब हमारे पास सेकंड पार्ट में नॉट डिफेक्टिव बल्ब रह जाएंगे 15 और टोटल बल्ब रह जाएंगे 19। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/19। नॉट डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू नॉट डिफेक्टिव बल्ब में हमारे पास हैं 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो हमारे पास अब है 19, क्योंकि 20 में से एक बल्ब को हमने निकाल के एक साइड में रख दिया है, उसको रिप्लेस नहीं किया है, तो 19, यही हमारे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं जिसके ऊपर काउंटिंग की हुई है 1 से लेकर के 90 तक। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर से एक डिस्क को हमने रैंडमली ड्रॉ किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट पार्ट में ए 2-डिजिट नंबर, कि जो डिस्क आपने ड्रॉ की है उसके ऊपर एक 2-डिजिट की 2 अंकों वाली संख्या लिखी होगी, यानी कि 10 से लेकर के 90 तक की संख्याओं में से कोई भी संख्या हो सकती है। सेकंड पार्ट में ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, कि उसके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर लिखा होगा, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, इस तरह से। थर्ड पार्ट में ए नंबर डिविजन बाय 5, कि उसके ऊपर एक ऐसी संख्या लिखी होगी जो 5 से भाग होती होगी, इन 5 से डिविजिबल कोई भी संख्या 5, 10, 15, 20 लिखी आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमें वो फाइंड आउट करनी है। टोटल डिस्क हमारे पास है 90, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी हो जाएंगे 90। अब फर्स्ट पार्ट में उसे पूछा है एक टू डिजिट नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बच्चों टू डिजिट नंबर कितने होंगे पहले वो देखते हैं हम। टू डिजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 90, आपको पता है कि 2-डिजिट नंबर होते हैं 10 से स्टार्ट होकर के और 90 तक, ये हमारे पास हो जाएंगे 81। नंबर के फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 81, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2-डिजिट नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस 81 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 90, 81/90, 9/10। परफेक्ट स्केल नंबर हो जाएंगे हमारे पास 1 to 99, ये परफेक्ट स्केल नंबर्स होंगे 1 से लेकर के 90 तक, 90 तक 9 इज इक्वल टू 9। प्रोबेबिलिटी ए परफेक्ट नंबर
सॉरी ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 90, 1/10। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। 1 से 90 तक की वे संख्याएं जो 5 से भाग होती हैं वो हमारे पास हैं, ये मैं लिख दिया यहाँ पर। टोटल है 18, तो फेवरेबल केसेस भी कितने हो जाएंगे, 18। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 90 इज इक्वल टू 1/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज सिक्स फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। एक बच्चे के पास एक डाई है जिसके 6 फेसेस के ऊपर, उसके 6 फेस होते हैं, उन 6 फेसेस के ऊपर ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है। आपको बच्चों ध्यान ये देना है कि जो डाई के जो फेसेस हैं 6, उनके ऊपर एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट ए, लेटर ए ऐसा है जो 2 बार लिखा हुआ है, बाकी सभी एक एक बार हैं, बी सी डी ई, लेकिन ए है वो 2 बार रिपीट हुआ है। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका जाता है। अब यहाँ पर डाई को 1 टाइम फेंका गया है, तो अगर डाई को 1 टाइम फेंका जाता है तो उसके लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 6 होते हैं। अगर डाई को 2 बार फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं 36, तो 1 टाइम के लिए 6। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और डी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, यहाँ पर ए के लिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 1, 2, क्योंकि 2 बार ए लिखा हुआ है, 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/6। सिमिलरली डी के लिए, डी के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं यहाँ पर सिर्फ 1, सिंगल 1, तो 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 6, तो 1/6। टोटल फेसेस हमारे पास हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी हो जाएंगे 6। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, ए के फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो हैं 2, क्योंकि ए 2 फेसेस के ऊपर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डी, डी के फेवरेबल हो जाएगा 1, क्योंकि डी सिर्फ एक सिंगल फलक के ऊपर, सिंगल फेस के ऊपर ही लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6, 1/3। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल 6, 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है जिसकी लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, फिगर के अंदर 15.6 के अंदर एक डाई को हमने रैंडमली ड्रॉप किया है एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब इसके अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 1 मीटर, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि इस सर्कल के अंदर, सर्कल के इनसाइड उस डाई के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब सर्कल के लिए फेवरेबल जो केसेस हो जाएंगे वो हमारे पास होगा इस सर्कल का एरिया, जो डाई के सर्कल के अंदर गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके फेवरेबल जो हमारे पास केसेस होंगे वो होंगे इस सर्कल का एरिया। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास सर्कल का एरिया अपॉन रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ 3 × 2, 6 स्क्वेयर मीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2, क्योंकि डायमीटर है 1, रेडियस हो जाएगी 1/2 स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन
4 square meter. Now probability land inside circle is equal to area of circle upon area of rectangular region. Area of circle pi upon 4 divided by area of rectangular region 6, that is equal to pi upon 24.